हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होस्ट AIO। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने ट्रक को कैसे ओवरटेक किया है। बहुत ही सावधानी पूर्वक मैंने ट्रक को ओवरटेक किया है, लेकिन आप लोग ऐसी गलती कभी ना करें। तो गाइस, अभी हम लखनऊ की ओर निकल रहे हैं। ये मैगलगंज कस्ता सीतापुर लखनऊ रोड है और ये सिंगल ही बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये लखनऊ जाने का शॉर्टकट रास्ता है। इसमें बहुत सावधानी पूर्वक चलना होता है क्योंकि ये सिंगल रोड है। और आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग अपनी स्पीड लिमिट में ही गाड़ी को चलाएं। इस रोड पे ओवरटेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइस, हम लोग चलते हैं लखनऊ की ओर। अभी आपको और भी दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही छोटा रास्ता है। इस रास्ते पे हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। आप देख लीजिए, आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके की सभी सड़क रोड जो भी हैं उन पे आप सावधानी पूर्वक चलें और इतनी हाई स्पीड लिमिट में ना चलें। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये एक शॉर्टकट रास्ता है लखनऊ जाने का, और हमें कुछ रास्ते में काम भी था तो इसलिए हम यही इस रास्ते को चूज़ किए हैं। इस जगह से लखनऊ केवल 100 किलोमीटर रह गया है। अभी हम रास्ते में ही हैं और आप लोग देख सकते हैं कितने घने पेड़ हैं। धूप भी बहुत तेज़ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। रास्ते में कुछ गांव भी आते जा रहे हैं, जिनके सामने से हमें निकलना, बहुत सावधानी पूर्वक से निकलना है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो लोग बहुत रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, कृपया बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, देखभाल के चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं। तो गाइस, अब हम ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय करिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग देखिए। तब तक मैं अपनी ड्राइविंग पे ध्यान करता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो हमारे पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल पर बने रहें और नए नए वीडियो और हम लाते रहेंगे और आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी देंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग गाड़ी अपनी स्पीड लिमिट में ही चलाएं, सावधान रहें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं।